हम पढ़ाई अब शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा दसवीं में हिंदी गद्य खंड। इसमें पढ़ रहे हैं आप गद्य खंड का पहला पाठ नेताजी का चश्मा। पिछले क्लास में हमने इसका जीवन परिचय देखा था, इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय और पाठ का सारांश और कुछ लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर देखे थे। चलिए आज हम इसके में हम दूसरे आगे के प्रश्नों को के उत्तर को देखते हैं। तो प्रश्न पहला है इसमें कि पाठ में सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? पाठ में सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? उत्तर है इसका कि चश्मे वाला स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सैनिकों व नेताओं का अपने हृदय में सम्मान करता था और उसे नेताजी को बिना चश्मे के देखना पसंद नहीं था। वह खुद भी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत था और उसके अंदर देशभक्ति की भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन बुलाते थे क्योंकि उसमें देश प्रेम की भावना बहुत अधिक थी। फिर प्रश्न दूसरा है कि हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था लेकिन तुरंत बाद वे रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए? उत्तर है कि हालदार साहब सोच रहे थे कि कस्बे के जो हृदय स्थल जो कस्बे का जो मेन बाजार था मुख्य बाजार था उसको हालदार साहब कह रहे हैं कि उसके हृदय स्थल में जो नेता जी की मूर्ति है और उस मूर्ति पर उनकी आंखों पर क्या नहीं था, चश्मा नहीं होगा क्योंकि नेता जी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन तो अब मर चुका है क्योंकि कैप्टन क्या करता था, वह प्रतिदिन अब उसमें चश्मा बदल देता था। एक बार तार का लगाया, एक बार प्लास्टिक की काली मोटी फ्रेम का चश्मा लगाया। जब हालदार साहब वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा, उन्हें पता चला कि जब कैप्टन मर चुका है तो वह क्या हो गए थे, मायूस हो गए कि अब जो है नेताजी की प्रतिमा तो बिना चश्मे की होगी क्योंकि चश्मा लगाने वाला कैप्टन जो विकलांग था वो तो अब नहीं रहा। और किसी को कहां भला इतनी फुर्सत कि वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाए, और यही सोचकर हालदार साहब मायूस हो गए। फिर है प्रश्न, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि हमारे देश के लोगों को खासकर युवा और बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना अभी भी बरकरार है क्योंकि और यही युवा और बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। अगर इनके अंदर देश के लिए प्रेम व सम्मान है तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित है। जिस देश के बच्चों और युवाओं में देश प्रेम की भावना है तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल है क्योंकि बच्चों किसी ने देखा कि नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा नहीं था, उन्होंने आसपास जो पड़ी हुई छोटी छोटी सी डालियां होती हैं उन डालियों से चश्मे बनाया और उस चश्मे को सरकंडे का चश्मा वहां पर उन्होंने नेताजी की प्रतिमा को पहना दिया। अब है हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो गए? इतनी सी बात पर क्या हो गए थे, भावुक भावुक क्यों हो गए? उत्तर है कि हालदार साहब को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कैप्टन के मर जाने के बाद नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा लगा सकता है और वो इस बात से काफी दुखी थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू बह निकले और उन्हें यह सोचकर काफी संतोष हुआ कि अभी भी हमारे देश के लोगों के दिलों में देश के प्रति देशभक्ति की भावना है। अब हम आगे देखेंगे
आज लोग उन पर क्या करते हैं, हंसते हैं। देशभक्तों को लोग मूर्ख से ज्यादा कुछ भी नहीं समझते हैं। ऐसे लोग देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलकर हर वक्त सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचते और विचार करते रहते हैं, और अपना काम सिद्ध करने के लिए वह किसी भी सीमा तक जा सकते हैं और उस सीमा को पार भी कर सकते हैं। तो ऐसे में देश का भविष्य क्या होगा, यही सोचकर हालदार साहब दुखी हो गए थे। अब है आगे का प्रश्न कि पांड वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर है कि पांड वाला काला, मोटा व खुश मिजाज व्यक्ति था। रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए मतलब कि यहाँ पर पांड वाले के विषय में बताइए। तो पांड वाला कैसा था? पांड वाला काला, मोटा और खुश मिजाज व्यक्ति था। उसका पेट निकला हुआ था, उसकी तोंद निकली हुई थी, और वह हर वक्त क्या करता था, पान खाता रहता था, जिससे उसके दांत लाल और काले हो गए थे। क्यों? क्योंकि वह हर समय पान खाता था। वह अपनी दुकान में आने जाने वाले ग्राहकों से खूब बातें किया करता था। अब है प्रश्न आगे का कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो यह बोला था हालदार साहब को पान वाले ने, जब उन्होंने कैप्टन के विषय में पूछा तो पान वाले ने कहा अरे वो तो लंगड़ा है, वो क्या फौज में जाएगा। इसका उत्तर है कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। यह बात हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले यानी कैप्टन के बारे में पूछने पर पान वाले ने कही, जो सर्वथा गलत था, अनुचित था। भले ही कैप्टन शारीरिक रूप से विकलांग था, जिस कारण वह सेना में भर्ती होने योग्य नहीं था, पर उसका नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देना देशभक्ति व स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। लेकिन पान वाला उसे पागल समझता है जो उसकी मूर्तता को दर्शाता है। जो लोग अपने देश के प्रति पागलपन की हद तक प्रेम व सम्मान की भावना रखते हैं, वो सम्माननीय है। उन्हें पागल कहना सर्वथा अनुचित है और गलत है। अब है आगे का प्रश्न, प्रश्न छठवां, कि निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन कौन सी विशेषताओं की ओर संकेत करता है। तो पहला है हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते थे, क्यों? इसका उत्तर क्या है कि हालदार साहब का चौराहे पर रुकना और नेताजी की मूर्ति को निहारना यह दर्शाता है कि उनके दिलों में देश प्रेम का जज्बा था, उनके दिल में देश प्रेम की भावना थी, और वे अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों का दिल से सम्मान भी करते थे। उन्हें नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देखना अच्छा लगता था। वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाले कैप्टन की देशभक्ति से बहुत प्रभावित हुए और वो उसका व उसकी देशभक्ति का दिल से सम्मान भी करते थे। फिर दूसरा कि पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन तो मर गया। अब इसका उत्तर देखते हैं कि कैप्टन की मृत्यु पर पान वाले का उदास हो जाना और उसकी आंखों में आंसू आ जाना इस बात का संकेत देता है कि पान वाला भी कहीं ना कहीं कैप्टन और उसकी देशभक्ति का सम्मान करता था, इसीलिए उसकी बात पर पान वाले की आंखों में आंसू आ गए। वह कैप्टन की मर जाने से दुखी था। यह बात पान वाले की कैप्टन के प्रति आत्मीयता, संवेदनशीलता
भावना को दर्शाता है। अब है आगे का कि कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, क्यों? तो उत्तर है कि कैप्टन का नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा लगाना उसके दिल में नेताजी व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना को प्रकट करता है। फिर प्रश्न सात कि जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। उत्तर है कि जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात रूप से नहीं देखा था तब तक मानस मतलब कि हालदार साहब के मन में कैप्टन की छवि बिल्कुल फौज के एक कैप्टन के जैसी रही होगी। लंबी व मजबूत कदकाठी, रोबदार चेहरा, हट्टा कट्टा सा दिखने वाला किसी फौज का कैप्टन। वैसे भी हालदार साहब उन्हें फौजी ही समझते थे। अब हम आगे का देखते हैं प्रश्न। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति का मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। तो उत्तर है फिर कि इस तरह की मूर्ति लगाने के उद्देश्य क्या हो सकते हैं कि हर चौराहे महानगरों पर जो प्रसिद्ध व्यक्तियों की मूर्ति लगाने का प्रचलन है, तो ऐसी मूर्ति लगाने का उद्देश्य क्या हो सकते हैं? अब इसका उत्तर है कि इस तरह की मूर्तियों को लगाने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि सभी लोग, खासकर जो आजकल युवा पीढ़ी है और बच्चे हैं, उस व्यक्ति के महान कार्यों के बारे में जाने और समझें और हमेशा उन्हें सम्मान के साथ याद करें और उनसे प्रेरणा लेकर समाज के और राष्ट्र के हित में कार्य करें। फिर है इसी का दूसरा कि आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित कराना चाहोगे और क्यों? मैं अपने इलाके के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवाना चाहूंगा ताकि हमारी युवा पीढ़ी उनके महान कार्यों एवं विचारों से प्रेरित हो और भारत की मां की आजादी के लिए हर क्षण अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार रहने वाले इस वीर सपूत के नक्शे कदम पर चलें। क्यों? क्योंकि आजाद भारत में भी सुभाष चंद्र बोस जैसे सच्चे वीर व देशभक्त सपूतों की आज भी आवश्यकता है। फिर है आगे का प्रश्न कि उस मूर्ति के प्रति आपके और दूसरे लोगों की क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? मूर्ति तो लगी है लेकिन आपके और दूसरे अन्य लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? तो मूर्ति की गरिमा व सम्मान का ध्यान हमेशा रखना चाहिए और किसी भी स्थिति में मूर्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। मूर्ति को किसी प्रकार की क्षति ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और मूर्ति की नियमित साफ सफाई होनी चाहिए और कुछ विशेष अवसरों में मूर्ति पर माल्यार्पण होना आवश्यक है। जिस महापुरुष की मूर्ति है उनके विचारों को आदर्श मानकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करनी चाहिए। अब है आगे सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो इसका उत्तर है कि हमने जिस माटी में जन्म लिया है उस माटी की सुरक्षा के लिए हमें अपने कर्तव्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो एक फौजी ही क्यों ना हो। आम इंसान जिस तरह फौजी देश की सीमा की रक्षा कर अपना फर्ज निभाते हैं और उसी तरह हम भी अपने दैनिक कार्यों में कुछ बातों को ध्यान में रखकर देश सेवा कर सकते हैं, जैसे
देश सेवा कर सकते हैं, जैसे शहीदों एवं देशभक्तों का सम्मान करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण को बचाना, वनों और पेड़ों को न काटना, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना, पर्यावरण की सुरक्षा, प्रदूषण कम करना, आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखना, नदियों और तालाबों को प्रदूषण मुक्त रखना, लोगों को शिक्षित करना, एकता व भाईचारे की भावना को बनाए रखना, सभी धर्मों जाति समुदाय के लोगों का सम्मान करना, समय समय पर जो टैक्स है उनको जमा करना, अदा करना और देश विरोधी कामों से दूर रहना। फिर है प्रश्न कि निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए, कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़ू चौखट चाहिए, वो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर उसको बिठा दिया। उत्तर, समझ लो अगर कोई ग्राहक आ गया और उसे चौड़ा चौखट फ्रेम चाहिए, चौड़ा चौखट एक फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, तो उसे मतलब ग्राहक को मूर्ति वाला चौखट दे देता है और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। अब हम देखते हैं, भाई खूब क्या आइडिया है, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा से दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। उत्तर, एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से भाषा अधिक सरल और सहज बन जाती है, सरल और सहज और रुचिकर बन जाती है, जो जल्दी समझ में आ जाती है, इससे भाव अभिव्यक्ति बढ़ जाती है और साथ में भाषा का शब्द भंडार भी बढ़ जाता है और भाषा की लोकप्रियता में भी वृद्धि होती है। फिर निम्नलिखित वाक्यों से निपात छांटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। पहला है, नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। उत्तर है कि कुछ ना कुछ वाक्य कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। उत्तर, को ही वाक्य कठिन मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। वाक्य क्या है, तो था, निपात छाटना है, जीवन में सब कुछ तो था लेकिन शांति नहीं थी। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, अभी भी वक्त है, संभल जाओ वरना जीवन भर खून के आंसू रोना पड़ेगा। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे, मैं हर बात में आपकी दखलंदाजी मुझे पसंद नहीं है। अब हम देखते हैं आगे का, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था। उत्तर, उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने जो फ्रेम थे चश्मे के, नेताजी की मूर्ति पर वह क्या कर देता था, फिट कर देता था या पहना देता था। पान वाला क्या पान खा रहा था, पान वाले ने नया पान, पान वाले से नया पान खाया जा रहा था, पान वाले ने साफ बता दिया था। उत्तर है कि पान वाले ने साफ बता दिया था। फिर है, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया। फिर है,
नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया।